देश विदेश को स्वागत करछु स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर जेई मेन चतुर्थ पर्याय परीक्षा पाई नुआ तारीख अगस्त 26 रु सेप्टेम्बर 2 जाय परीक्षा तृतीय एवं चतुर्थ पर्याय भितरे रहिबो 4 सप्ताह अंतर छात्र छात्रीों सुविधा पर निष्पत्ति निया जाइथिबा ट्वीट करी कहिले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बेंगल हिंसा को नहीं कोलकाता हाइकोर्टे एनएचआरसी रिपोर्ट हिंसा पर पीड़ित दुर्दशा प्रति राज्य सरकार थिले उदासीन राज्य में आईनर शासन नुहे शासक आईन चली सीबीआई तदंत परामर्श अगस्त 1 पर्यंत आंशिक लॉकडाउन बलवत्तर राज्य में काली चलाचल कर बस खोल जिम स्पा ब्यूटी पार्लर कैटेगरी ए रे राति 8 जाए खोला रहिबो दुकान कैटेगरी बी रे संध्या 5 रु बंद भाई भतीजा बाद बदल रे यूपी रे चली विकास बाद वाराणसी गस्तरे जाई मोदी कहिले योगी प्रशासन यूपी आनी प्रकृत परिवर्तन अनेक विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री सारा विश्व पाई स्किल व स्मार्ट लोकशक्ति देश होइछि भारत कोरोना कटकणारे भी देशर युवावर्गों आगक ने स्किल इंडिया 6 वर्षे पाद देला अभियान कौशल कला को नहीं रोजगार मंत्र देले मोदी देश को मिला प्रथम अपग्रेडेड रेल स्टेशन गुजरात गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पाइला नुआ रूप रही विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व्यवस्था आहुरी 7 रेल स्टेशन करा नवीकरण ड्रोन परिचालना नियम हेबो सरल नुआ ड्राफ्ट जारी कला केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय विभिन्न स्वीकृतिर आवश्यकता को करा जाइछि समाप्त जरूरी पड़िबो नाही पायलट लाइसेंस नुआ ड्रोन आईन रे 25 रु कमी रहिबो 6 संपूर्ण खबर को आसीबा जेई मेन चतुर्थ पर्याय परीक्षा पाई नुआ तारीख धार्य करा जाइछि छात्र छात्रिंक सुविधा पाई चतुर्थ पर्याय परीक्षार तारीख परिवर्तन करा जाइथिबा नै सूचना देछंती केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अगस्ट 26 27 29 एवं सेप्टेम्बर 1 व 2 रे चतुर्थ पर्याय परीक्षा हेबो एणिकि तृतीय एवं चतुर्थ पर्याय परीक्षा भितर रहिबो 4 सप्ताहर व्यवधान वर्तमान सुधा जेई मेन चतुर्थ पर्याय परीक्षा पाई 7,32,000 परीक्षार्थी पंजीकरण कर सारी आसंता जुलाई 20 पर्यंत पंजीकरण तारीख को वृद्धि करा जाइछि जेई मेन रो तृतीय पर्याय परीक्षा जुलाई 20 रु 25 जाए अनुष्ठित हेबो चलित बर्ष जेई मेन रो परीक्षा को 4 पर्याय करबा नै घोषणा करथिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेब्रुआरी एवं मार्च रे 2 पर्याय परीक्षा अनुष्ठित होइथिला तेबे एप्रिल एवं मे मास रे हेबाकु थिबा शेष 2 पर्यायर परीक्षा कोरोना पई स्थगित रहिथिला बेंगल हिंसा को नहीं हाइकोर्टे रिपोर्ट दाखल करी एनएचआरसी कोलकाता उच्च न्यायालय 5 जनिया खंडपीठ आगे रिपोर्ट दाखल करा जाई रिपोर्ट में ममता सरकार को कड़ा समालोचना करा जाई राज्य में हिंसा पर पीड़ित दुर्दशा प्रति राज्य सरकार उदासीन थे राज्य में आईन शासन चलुनी बर शासक आईन चली कड़ा शब्द में रिपोर्ट में उल्लेख कर हिंसार तदंत राज्य बाहर किंवा सीबीआई द्वारा करा दरकार उल्लेख कर कमिशन कहिछन्ते एहा मुख्य विरोधी दलर समर्थक विरोध रे क्षमतारे थिबा दलर समर्थकक द्वारा करा जाइथिबा प्रतिशोधमूलक हिंसा जहा फळरे हजार हजार लोकक जीवन एवं जीविकारे बाधा सृष्टि करा जाइछि तांको आर्थिक रूपरे पंगु कर दिया जाइछि अगस्ट 1 पर्यंत आसिला नुआ गाइडलाइन राज्य में काली चलाचल कर बस जिम स्पा ब्यूटी पार्लर खोल पूर्व भली जिला गुड़ी को कैटेगरी ए एवं कैटेगरी बी एभली 2 कैटेगरी रखा जाइछि कैटेगरी ए जिले सकाळ 6 रु राति 8 पर्यंत दुकान बजार खोला रहिबो सेबळे भाबरे कैटेगरी बी रे सकाळ 6 रु संध्या 5 पर्यंत दुकान बजार खोला जाय परिबो बोली सूचना रहिछि सारा राज्य रे गड़िबो बस चलिबो ऑटो टैक्सी खोलिबो जिम स्पा ब्यूटी पार्लर होई परबा आउटडोर और इंडोर शूटिंग नुआ गाइडलाइन जारी कले सरकार
अगस्त 1 पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रहिबो। एहरी भितरे राज्यरे किछि नियम कोहळ करा जायतिबा बेले किछि कडाकडी होईछि। नुवा गाइडलाइन अनुसार सारा राज्यरे गडिबो बस। पुरी रे रथयात्रा चालीथिबारु 25 जुलाई जाय बस चलाचल करिवो नाही। सारा राज्यरे ऑटो टैक्सी चलाचल करिपारिबो। राज्यरे कालीठु जिम, ब्यूटी पार्लर, स्पा खोला रहिबो। छोटो सेलून को पूर्वरु अनुमति मिलिथिबा बेले एबे बडो सेलून मध्ये खोलिपारिबो। पार्क, मॉल, सिनेमा हॉल ओ बार बंद रहिबो। स्कूल, कोचिंग सेंटर मध्ये खोलिबो नाही। एस रेस्टोरेंट, उठा दुकानी केवल पार्सल दे परिबे। यात्रा ओ रंगमंच ऊपर मध्ये सरकार कटकणा जारी करिछंती। कोन राज्य सरकार डिसाइड करछंती समग्र राज्य रे बस सर्विस को अलाउ करा जिवो। टैक्सी, ऑटो रिक्शा एवं अन्यन्य पैसेंजर व्हीकल समग्र राज्य रे चलाचल करिवो। टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा रे ड्राइवर छोड़ा दुई जन मैक्सिमम पैसेंजर जाई परिबे। समग्र राज्य रे ब्यूटी पार्लर्स, सालून एवं स्पा, जिम इत्यादि आसंता काल ठारु खोला जिवो। वर्तमान स्थिति रे बस चलिबो किंतु किछि दाबी जो गुड़े अच्छी सरकार पाखे से तुरंत आलोचना हाँ दरकार। आम प्रथम दाबी हूँ सरकार ए मसर जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर टैक्सटा छाड़ करूँ। द्वितीय दाबी हूँ लक्ष टा लेखा लोन दिंतु जहाँफर से गाड़ी गुड़ी उठे चल पारे। डिसलेसन ठीक अच्छे किंतु तीन जन मिनिमम करा दरकार। दीज जगह तीन जन हूँ तो आडजस्टेबल लोक दे पारे। कैटेगरी ए सका 6 राति 8 पर्यटन दुकान बजार खोला। कैटेगरी बी सका 6 संध्या 5 जाए दुकान बजार खोला। पूर्व भली जिला गुड़ी को 2 कैटेगरी रे रखा जाए। कैटेगरी ए रे 20 ओ कैटेगरी बी रे सही 10 जिला रही। एबे नजर पकांतु कैटेगरी ए ओ बी पई नुआ गाइडलाइन रे कौन रही। कैटेगरी ए जिला रे सप्ताह 7 सका 6 राति 8 जाए दुकान बजार खोला रहिबो। राति 8 सका 6 जाए नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो। एहसो कैटेगरी ए जिला रे दैनिक ओ साप्ताहिक हाट खोला रहिबो। सेहिपरि कैटेगरी बी रे सका 6 संध्या 5 जाए दुकान बजार खोला रहिबो। एही 10 जिला रे सप्ताहांत शटडाउन बलबत्तर रहिबो। तबे कैटेगरी बी रे पूर्व भली नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो। कैटेगरी ए रे जो 20 जिला अछि सेठी दुकान बजार सका 6 संध्या 6 जाए खोला जाउतला। वर्तमान ताहा राति 8 पर्यंत खोलिबो। एवं कैटेगरी ए जिला रे 7 जाक दुकान बजार सका 6 राति 8 पर्यंत खोला रहिबो। सेभळी कैटेगरी बी रे जो जिला सब अछि कोस्टल एरिया रे से जिले में सका 6 दिन 2 पर्यंत दुकान बजार सब खोला रहुतला। ताकु वर्तमान सका 6 संध्या 5 पर्यंत बढ़े दिया जाय छि। पूर्वपरि विवाह कार्यक्रम सुधिक्रिया पई पूर्वर जे कटकणा थिला ताहा जारी रहिबो। एबे भी एक्टिव केस अनुसार कटक ओ खोर्धा जिला रेड जोन रे रहिछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। स्किल मैनपावर पई भारत को देखुछि सारा विश्व। कोरोना कष्ट सहित नुआ बाट मध्य खोलिछि आउ भारतर युववर्ग को एहार लाभ मिलिथिबा देखिबा को मिलिछि। तबे एबे एहा 6 रे पाद देछि। ए अवसर रे कौशलर कला को नै भारत किभळि आगो को जीव से संपर्क रे मंत्र देछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता, आत्मनिर्भरता भारतर आधार। स्किल विश्व युव कौशल दिवस रे युववर्ग को मोदी मंत्र। विश्व युव कौशल दिवस सह 6 रे पाद देछि स्किल इंडिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे 100 कोटी रु अधिक युवक को ट्रेनिंग दिया जाउछि। कौशल द्वारा निजे और देश को आत्मनिर्भर करने को हेबो। सारा विश्व पई स्किल और स्मार्ट लोकशक्तिर देश होउछि भारत। आत्मनिर्भर भारत यार बड़ आधार। गत 6 रे जो आधार रे तैयारी होउछि जो नुआ संस्था होउछि समस्ते मिसि स्किल इंडिया मिशन को आहुरी गति देवा को आह्वान देछन्ति प्रधानमंत्री। सब क्षेत्र रे स्किल रो सम्मान करबा उचित बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। दुनिया सारा स्किल इंडिया रा आवश्यकता रहिछि। कोरोना समय रे स्किल को अति निकट रु देखा जाइछि जे कुशली हेबो से आगो को बढ़िबो। सेहिपरि आदिवासी समाज को स्किल इंडिया जोडथिबा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। विश्वकर्मा की पूजा यानी समाज जीवन में अलग अलग रचनात्मक कार्य करने वाले
हमारे विश्वकर्माओं का सम्मान, स्किल का सम्मान, लकड़ी के कारीगर, मेटर्स का काम करने वाले, सफाई कर्मी, बगीचे की सुंदरता बढ़ाने वाले माली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हमारी परंपरा ने विशेष सम्मान दिया है। आज समय स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग कथा कहते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से कहते कोरोना काल में ऑक्सीजन रो आवश्यकता और अन्य प्रसंग में नुआ संभावना को जन्म देती जहाँ उपरे काम करने को स्किल इंडिया मिशन आरंभ कर सारी। महामारी समय भारत अर्थनीति को गति देवाक केन्द्र और प्रधानमंत्री दूरदृष्टि को प्रशंसा करते। कोरोना महामारी की चपेट में विश्व है, हमारी देश भी है, उस समय में स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग की जरूरत और बढ़ जाती है। जैसे अभी कोरोना के समय में अनेक अनुभव आया, हेल्थ सेक्टर में बहुत नए काम की आवश्यकता हुई। पहले इतनी मात्रा में देश में कभी ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं लगी थी, अभी लगी। उसके लिए हमको स्किल मैन पावर की आवश्यकता लगी, स्किल इंडिया मिशन ने उस काम पे लग गया। देशर युववर्ग पाई नुआ आशार किरण स्किल इंडिया आ प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन रे 6 वर्ष रे पाद देछि एही अभियान। दिल्ली रु गगन विश्वाल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भाई भतीजा बाद बदल रे यूपी रे आसी विकास बाद वाराणसी गस्तरी जाई मोदी कहते योगी प्रशासन यूपी आनी प्रकृत परिवर्तन। गस्त अवसर में प्रधानमंत्री अनेक विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास कर। भाई भतीजा बाद बदल रे एबे यूपी रे आसी विकास बाद आईन पंचारे एवं संत्रासवादी एवं माफिया राज्य में शेष होइछि प्रियाप्रीति तोषण एवं दुर्नीति योगी प्रशासन यूपी आनी प्रकृत परिवर्तन एवं विकास। प्रधानमंत्री वाराणसी गस्त अवसर में मुख्यमंत्री योगी को प्रशंसा अनेक विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। ଥିଲା ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ମାଫିଆଗିରି ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ। ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସରକାରରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାଇ ଭତିଜା ବାଦ ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ବାଦ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। निजर संसदीय क्षेत्र वाराणसी गस्त करने अवसर में अनेक विकासमूलक कार्यर उद्घाटन सहित अनेक प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन कर प्रधानमंत्री।
वाराणसीर आईआईटी बीएचयू ग्राउंड में 1500 कोटी टंकार एक प्रकल्प उद्घाटन करिछंती जेउठी 100 बेड विशिष्ट एक एमसीएच विंग स्थापन करा जहां भविष्य में कोविड मुकाबलें सहायक हो पार यहा व्यतीत गोडा उल्लारे एक मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था पर्यटन पर गंगा नदी में रोरो भेसेल वाराणसी गाजीपुर हाईवे उपरे एक थ्री लेन फ्लाईओवर प्रकल्प एवं रुद्राक्ष नाम एक आंतर्जातिक कन्वेंशन केन्द्र उद्घाटन करिछंती प्रधानमंत्री 784 कोटी टंकार अन्य केतेक विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन होगा 839 कोटी टंकार केतेक प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन सिपेट अधीन एक दक्षता वैषयिक सहायता केन्द्र जलजीवन मिशन अधीन 143 ग्रामीण प्रकल्प और किसी कृषिभित्तिक प्रकल्प प्रधानमंत्री मोदी शासन काल में काशी भारत और विश्व एक नुआ परिचय हासिल करिछि अवसर में प्रकाश करते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय छुट्टिया ब्रेक रो ब्रेक पर फिर बात खबर फेरबा खबर को आपण देखुचंती देश विदेश केबे बंधाबे नियाली जुब बिजेडी सभापति सहयोगी को केबे गिरफ करिब पुलिस बोमामाड़ लूट धमक संगीन अभियोग पर भी खोला आकाश तले अभियुक्त अर्थ एवं क्षमता आगे चुप रही कि पुलिस ए प्रश्न एवं समस्त मन केबे बंधा हबे नियाली जुब बिजेडी सभापति केबे पुलिस गिरफ करिब तांको सहयोगी को बोमामाड़ लूट धमक भली संगीन अभियोग पर भी खुल्लम खुला बुलुचंती अभियुक्त अर्थ और क्षमता आगे चुप कि पुलिस नियाली विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत ब्राह्मणवटी गाँवर एक आलिशन बंगला उपर टिके नजर पकातु लाटेस्ट डिजाइन अत्याधुनिकतर छाप आ घर हूँ नियाली जुब बिजेडी सभापति रश्मि रंजन महापात्र ओरफ कुनांकर रश्मि रंजन महापात्र और साथी प्रभु रंजन महापात्र ओरफ लाकुन ना रही बोमामाड़ लुट धमक भली सांघातिक अभियोग रश्मि रंजन को आयर पंथा कौन किभली कले एभली आलिशान बंगला अर्थ पछरे कला कारबार कि आ शासक दलर जुब नेता सादकुन माप कि मद बेपार ड्रग्स बेपार ये टाइप पाउडर खाई टोका सेटिंग कर सब चार राउंड मारुंट यही प्रकार कर पैसा फोपाड़ तो आम तो निरीह लोक आम कौन करू सब नजर पकातु ए एफआईआर उपरे उल्लेख रही प्रभु रंजन और रश्मि रंजन का ना दफा लगी 452 379 294 506 509 34 आईटी आक्टर दफा 67 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आक्टर दफा 3 और 4 आर्म्स आक्टर दफा 25 और 27 कहीं दुई जन को गिरफ करूना पुलिस प्रश्न पचारे देखु कौन उत्तर रखुचंती थाना बाबू गाँव पुलिस स्टेशन को जाइकी कुना सिग्नेचर दफा लगला कुना पात्र जोटा आम रश्मि रंजन पात्र कुना सी पुलिस स्टेशन जाइकी सिग्नेचर करके अंडरटेकिंग लिखिकी जे जेतेबेले मते कहिबे मु पुलिस स्टेशन आसिबि एते दफा लगला पर जणको अरेस्ट करबा जगह रे ताकू गिरफ काहेकी कलेन अंडरटेकिंग लिखि काहेकी छाडुचंत एबे भयरे पूरा गा पुलिस भी अभियुक्तक सहित थिबार अभियोग होउची बीजेडी युवा नेता बोली कौन सादकुन माप कि बीजेडी विधायक प्रमोद मल्लिक लोक बोली कौन जहाँ चाहिए ता करे कटक ब्राह्मणवाटी गाँव कैमरा पर्सन संजीव महांती को सह संतोष जेना को रिपोर्ट अर्गस न्यूज भारत प्रथम अपग्रेडेड बा उन्नत रेल स्टेशन पलटि गुजरात गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पूर्वर रेल स्टेशन रूप बदली एवं नुआ रूप ग्रहण कर स्टेशन चेहरा परिपाटी सहित नुआ परिपाटी चित्र सोशल मीडिया शेयर करिछि भारतीय रेलवे एयरपोर्ट भली रूप दि जाइए गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को जोठी विलासपूर्ण पंचतारका होटेल विभिन्न थीम आलोक सज्जा सर्वधर्म प्रार्थना गृह स्वतंत्र टिकेट बुकिंग काउंटर रैंप लिफ्ट पार्किंग अंचल आहुरी अनेक व्यवस्था करवेशकों आकृष्ट करने समस्त प्रकार विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व्यवस्था करा रही रेलो पुलिस
जुलाई 16 तारीख दिन ए अपग्रेडेड रेल स्टेशन को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगो को देशर आहरी 7टी रेल स्टेशन रे एभले नवीकरण कराजिबार प्रकाश करिसेंती रेलवे बोर्ड रो सीईओ तथा चेयरमैन। हम लोगों ने गांधीनगर स्टेशन, ये हमारा पहला स्टेशन है, एक बेंचमार्क है ये बाकी स्टेशन्स को डेवलप करने के लिए। दूसरा स्टेशन जो हमारा लगभग तैयार है वो हबीबगंज है और तीसरा स्टेशन है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर। साथ ही साथ हमारे 5 और स्टेशन्स डेवलपमेंट के लिए उन पर कार्य शुरू हो गया है, जैसे कि अयोध्या, बिजवासन जो दिल्ली में है, गोमती नगर लखनऊ में, दिल्ली में सफदरजंग और नागपुर में अजनी। दलय भित्तिरे खर्च कराजाउछि सरकारी टंका। बीजेपी राज्य उपसभापति बलभद्र माझी एक सांबादिक सम्मेलनी करि एभळि अभियोग आणिछन्ति। श्री माझीक अभियोग हिसाब रे गतकाली जलसंपद मंत्री रघुनंदन दास एवं क्रीडा मंत्री तुषारकांति बेहरा हेलिकॉप्टर जोगे नवरंगपुर जिला गस्तरे आसी सर्किट हाउस ठारे एक दलय कार्यक्रम रे जोग देले। तांको सहित बीजेडी जिला सभापति तथा सांसद रमेश चंद्र माझी, डाबुगां विधायक मनोहर रंधारी, नवरंगपुर विधायक सदाशिव प्रधानी एवं पूर्वतन जिला सभापति प्रहलाद त्रिपाठी सह बीजेडी शताधिक कर्मी जोग देते। कोविड समय दलय कार्यक्रम बारण थिबा सत्वे मंत्री कोविड कटकणा को मानि नथिबा से अभियोग करिछन्ति। अति दुर्भाग्यजनक कथा जे दुई मंत्री श्री रघुनंदन दास एवं श्री तुषारकांति बेहरा काली ठारु हेलिकॉप्टर आसिंट आम जहाँ जानवाक पाइल प्रथम से दलय मीटिंग कर बैठक कर कार्यक्रम सहित तापर या सरकारी रूप देवाई कोरोनार किसी समीक्षा कर गोटे आल कर प्रश्न उठू कटकणा बारण थी बेले ये दलय मीटिंग करवा सरकारी समीक्षा करवा के समीचीन यहाँ बहुत बड़ प्रश्न। विज्ञान व वैषयिक विद्या साहाज्य नागरिकों निकटतर हो पारुछि देश लोकों सेवा जोगाइबा क्षेत्र में आसी पारिछि संस्कार यह भारत पर एक बड़ उपलब्धि निश्चय। कृत्रिम बुद्धिमता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ग्रीवेंस एनालिसिस एप्लीकेशन को लॉन्च करने उद्देश्य एक कथा केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तेरे एभली एप्लीकेशन ना रही सीपीग्राम्स ए अवसर में प्रकल्प सहित संप्रक्त समस्त व्यक्तिशेष को धन्यवाद जनाई से सारा विश्व में सब क्षेत्र में एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यवहार करा भारत से बात पड़ना विशेषकर भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र में यार व्यवहार आगे अच्छी ए दिगरे डीआरडीओ अनेक कार्य करुच्ची प्रकाश कर प्रतिरक्षा मंत्री। सीपीग्राम हो वेब भित्तिक टेक्नोलॉजी जो प्लाटफर्म साधारण अभियोगकारी देश में जेकोसी स्थान में जेकोसी समय निजर अभियोग दाखल करें और से हिसाब से विभाग तरफ तार समाधान पर तुरंत उद्यम कर। आज डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस और IIT कानपुर के संयुक्त प्रयासों से यह निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ग्रीवेंस एनालिसिस एप्लीकेशन का उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह पहल सचमुच साइंस, टेक्नोलॉजी और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार और एकेडमिया के सहयोग की एक अच्छी मिसाल है और मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जिसमें साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े आप सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। ड्रोन परिचालन नियम हेब सरल। ड्रोन को सहजरे व्यवहार करने केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करछि। देशरे ड्रोन व्यवहार करने आवश्यक अनुमतिर फर्म्र संख्या UAS नियम 2021 25 रु ह्रास कर ड्रोन नियम 2021 6 तेरे अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल बा UAS नियम 2021 को चलित वर्ष मार्च 12 लागू करा जाइतला। विज्ञप्ति परे ड्रोन नियम 2021 UAS नियम 2021 रो स्थान नेबो।
ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରୁ ବୁଲେଟ୍ରେ ବସି ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ। ଗତ ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଛେଣ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଦାସ ଓରଫ ଜଟ ନିଜ ଭଣଜା ବୁଲେଟ୍ରେ ବସି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ପୁରୀରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଓରଫ ଚିକୁନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଡିଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 19 ଜୁନ 2021 ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଧର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଥିଲା ଆମର ଜଟ ଏସ୍ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ। ଆମେ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲାବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଭିତରୁ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ମାମଲା ଅଛି, 10 ପାଇଛୁ ଆମେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଥିଲା। ଆରେଷ୍ଟ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଲା ପୁରୀରୁ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସମୟ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।